वेलकम दोस्तों, हमें एक फ्रेंड ने पूछा था कंप्रेसर है उसमें क्या क्या फॉल्ट आते हैं, क्या क्या खराब हो सकता रहेगा कंप्रेसर में, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कितने टाइप से रहते हैं, कितने पार्ट्स पर वर्क करता है। तो ये वीडियो में इसी के बारे में डिटेल से में जानेंगे। कंप्रेसर हमारा फ्रिज का हो गया, एसी का हो गया, सिंगल फेज, थ्री फेज, छोटा से लेकर बड़ा तक कोई सा भी कंप्रेसर है, ये कैसे वर्क करता है, क्या क्या पार्ट्स लगे रहते हैं, कितने पार्ट्स पर वर्क करता है। अगर आपको सबके बारे में मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। ये वीडियो स्पेशली हमारे नए टेक्नीशियन भाई लोग के हेल्पफुल रहेगा, उन लोगों को मालूम चलेगा, देखने को मिलेगा कंप्रेसर में क्या क्या खराब हो सकता रहेगा, क्या क्या फॉल्ट हो सकता रहेगा। कंप्रेसर जैसा कि हम लोग जानते हैं यह दो पार्ट्स पर वर्क करता है, एक हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल, एक हो गया मैकेनिकल। ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से वर्क करता है कंप्रेसर सिस्टम, जो है पूरा रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्क करता है, सिस्टम चलता है। तो इसी तरह से पूरा वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहे, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें जो बेल आता है, ऑल नोटिफिकेशन आता है उसको ऑन जरूर करें। बहुत से लोग जो हमारा सब्सक्राइब चैनल किए हैं बेल ऑन नहीं किए हैं, उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। जो भी हम इस तरह से ट्रबल शूट के वीडियो बनाएंगे, एरियर कोड के बारे में, एचवीएसी सेंट्रल एसी के बारे में वीडियो बनाएंगे, उनको सही समय पर नहीं मिल पाएगा। आप चाहते हैं तुरंत हमारा वीडियो दिखना जब भी हम अपलोड करें, उसके लिए आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ में जो बेल आता है, नोटिफिकेशन का बेल आता है, उसको ऑन जरूर करें। नहीं करेंगे तो आपको शायद लेट पहुंचेगा, तुरंत नहीं मिल पाएगा वीडियो। तो हमारा एयर कंडीशन जो है दो पार्ट्स पे वर्क करता है, जैसे कि हमने कहा पहले इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, चाहे सिंगल फेस हो या थ्री फेस हो, दो के दोनों में सिस्टम सेम ही रहेगा। कंप्रेसर जो हमारा टाइप, तो बहुत से टाइप के आते हैं, ठीक है, बट इसमें नॉर्मल हमारा हार्मेटिक, रोटरी, इसमें दो टाइप के समान हो जाता है। एक हो जाता है हमारा पंपिंग टाइप आता है कंप्रेसर, दूसरा आता है हमारा स्क्रू टाइप आता है, इसका स्पेशल दूसरा हमारा वीडियो रहेगा, वो आगे हम समझेंगे। मैकेनिकल सिस्टम जो हमारा रहता है दो के दोनों में, इलेक्ट्रिक के ऊपर डिपेंड रहता है, इसके अंदर मोटर फिट रहता है, मोटर से वर्क करता है। इसके अंदर सबसे ज्यादा फॉल्ट आता है क्या हमारा, कंप्रेसर ग्राउंड होना, यानी कि कंप्रेसर के अंदर जो फॉल्ट आता है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जो है सबसे ज्यादा इसमें आता है कंप्रेसर में। क्या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आता है, इसका जो अंदर वाइंडिंग रहता है ये जल जाता है, ये जलने की वजह से क्या होता है, ग्राउंड जिसे कहते हैं, बहुत सारे आप सुना में सुना रहेगा कंप्रेसर ग्राउंड हो गया, कंप्रेसर अर्थ हो गया, इसका रीजन होता है हो जाता रहा क्या रहता है, जो हमारा बाइंडिंग रहता है, वाइंडिंग रहता है मेन वाइंडिंग अंदर से और उसका बॉडी से, दो के दोनों आपस में वायर जो है टच हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें शॉक लग सकता है। अगर इसमें ईएलसीबी एमसीबी नहीं लगा रहेगा, ये सब कंट्रोल के लिए सेफ्टी पर्पज के लिए ईएलसीबी एमसीबी लगा रहता है, जैसे ही हमारा कंप्रेसर ग्राउंड होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, अर्थ लीकेज पर अर्थ वायर लगा रहता है, उसकी वजह से ट्रिप कर देता है, ब्रेकर बंद हो जाता है, जिससे वुमेन्स को बॉडी में आदमी कोई पकड़े उसके अर्थ शॉक ना लगे। ये हमारा सबसे ज्यादा फॉल्ट आता है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आता है। उसके बाद इसमें और फॉल्ट हमारा आता है मैकेनिकल फॉल्ट। मैकेनिकल फॉल्ट में क्या हो जाता है, कंप्रेसर का पंपिंग जो रहता है वो फेल हो जाता है। पंपिंग फेल होने का मतलब क्या होता है, गैस जो है प्रॉपर हमारा सक नहीं कर पाता है या प्रॉपर सही तरीके डिस्चार्ज नहीं कर पाता है। कई केस में देखने को मिलता है इसमें आपका 20% ही रहता है, कई परसेंट में 50% 100% तक भी हो जाता है। कई बार देखे रहेंगे आपका पंपिंग जो कंप्रेसर करता है सब कुछ चलता है, लेकिन ज्यादा पंपिंग नहीं करता है, थोड़ा ही रहता है, थोड़ा ही फेल होता रहता है, खराब होता रहता है। तो इसमें दो तीन टाइप के फॉल्ट होते हैं, इसका भी स्पेशली वाला वीडियो जानेंगे कितने टाइप के फॉल्ट आते हैं पंपिंग लेस में, कितना परसेंट क्या क्या रहता है। बट इसका पंपिंग फेल होता है, पंपिंग फेल हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, कूलिंग नहीं करेगा, सक्शन प्रेशर हमारा हाई हो जाएगा, डिस्चार्ज रहता है कम हो जाएगा, इस तरह से इफेक्ट देखने को कुछ मिलता है। ये हमारा इलेक्ट्रिकल में वाइंडिंग शॉर्ट हो जाता है। दूसरा आ जाता है मैकेनिकल में। मैकेनिकल में इसमें क्या होता है, एक पंपिंग फेल हो गया, उसके बाद एक और फॉल्ट आता है कंप्रेसर देखे रहेंगे हाई एम्पियर जाता है, स्टार्ट नहीं लेता, एम्पियर ज्यादा होता है। वो कंडीशन में होता क्या है, इसके जो मैकेनिकल पार्ट्स जो रहते हैं, बैरिंग्स रहते हैं, क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन और भी बहुत से डोम वगैरह पार्ट्स रहते हैं उसके अंदर, वो क्या होता है कई बार स्टक हो जाता है, जाम हो जाता है। जब जाम हो जाता है या फिर उसके जो रॉड वगैरह है, मैकेनिकल पार्ट जो भी है, वो क्रैक हो जाता है, टूट जाता है, ज्यादा घिस जाता है या फिर अटक जाता है, स्टक हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर जो हमारा पंप नहीं कर पाता है, चल नहीं पाता है और मोटर जो है रोटर को घुमा नहीं पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लोड ज्यादा लेता है, एम्पियर ज्यादा लेता है। यानी कि कई बार देखने को मिलता है
मैकेनिकल सिस्टम फॉल्ट में क्या होता है, स्टक हो जाता है, टूट जाता है, मैकेनिकल पार्ट खराब हो जाता है, यह चीज हो गया। उसके बाद कई बार हमें देखने को मिलता है इसके अंदर जो टर्मिनल्स लगे रहते हैं कंप्रेसर के ऊपर, जो टर्मिनल तीन रहते हैं, कामर रन स्टार्ट या L1 L2 L3, ये तीन जो टर्मिनल्स रहते हैं यह जल जाता है। ये कई बार देखे रहेंगे आप, बहुत बार देखे रहेंगे एक तीनों टर्मिनल्स है, एक तीनों में से एक जल गया है, भ्रष्ट हो गया है, या फिर देखे रहेंगे उसमें टूट जाता है, स्पार्क आ जाता है। इसका क्या रीजन होता है, इसका इस तरह से हमारा अगर तीनों टर्मिनल में से कुछ अगर जल गया है, भ्रष्ट हो गया है, तो अंदर से जो क्या होता है प्रेशर ज्यादा होता है। कई बार हमारा टर्मिनल ही उड़ जाता है, अगर टर्मिनल ही उड़ गया है तो उसके अंदर क्या होगा, हमारा प्रेशर ज्यादा हो गया है या फिर स्पार्किंग हुआ है, वाइंडिंग के अंदर कुछ स्पार्किंग वगैरह हुआ है जिसकी वजह से वो उड़ जाता है, वहां से ब्रश होकर के जल जाता है, हीट होकर के निकल जाता है, ये हमारा फॉल्ट होता है। उसके अगर निकलता नहीं तो कई बार आप देखे रहेंगे टर्मिनल ऊपर ऊपर जल जाता है, ऊपर ऊपर जल गया है तो कनेक्शन में क्या होगा, लूज कनेक्शन होने की वजह से प्रॉब्लम होता है। कई बार हम जो कनेक्टर रहता है उसमें थिम्बल वगैरह जो हम लगाते हैं वो थिम्बल कई बार लूज हो जाता है, हम टाइट तो सामने कर देते हैं पर प्रॉपर सही फिक्स थिम्बल ना होने के कारण से क्या होता है, वहां पर हीट होता है, हीट जनरेट होता है, धीरे धीरे लाल होकर के क्या जल जाता है, शॉर्ट हो जाता है, ये हमारा फॉल्ट आता है, ये चीज हो गया। उसके बाद अभी आप देख सकते रहेंगे इसका जो पाइप जो लगा हुआ है सक्शन का, ऊपर से ही ब्रस्ट हो गया है, जल गया, उड़ गया है, ये भी एक रीजन है। इस तरह से अगर ब्रस्ट हुआ है, पाइप उड़ा है, जला है, तो इसका मतलब हमारा कंप्रेसर के अंदर कुछ स्पार्क हुआ है, वार्निंग शॉर्ट हुआ है, जिसकी वजह से ये हीट होकर यहाँ से फेंक दिया है, आगे निकल गया प्रेशर से बना करके, या फिर यहाँ से लूज कनेक्शन हो सकता है, लूज जो मैकेनिकल जो मेटल पार्ट रहता है वो भी हो सकता रहेगा, कुछ कुछ नहीं सकता, शॉर्ट सर्किट प्रेशर ज्यादा होने की वजह से हो जाता है, प्रॉब्लम होता है। और भी बहुत से फॉल्ट होते हैं, क्या आपको और क्या मालूम है कमेंट में बताइए, जिससे और भी लोगों का हेल्प हो सके, समझ सके, जान सके। हमें कुछ इस तरह से फॉल्ट मिला था जो हमने आपको बताने की कोशिश की है, जो हमारे नए टेक्निशियन भाई लोग हैं वो लोग भी देख सके, समझ सके, जान सके कंप्रेसर में क्या क्या फॉल्ट होते हैं, क्या क्या टाइप्स के आते हैं, जिससे वो अलर्ट रहे, अपना काम से सीख सके, जान सके, समझ सके, और कभी भी काम आए तो उसको सही तरीके से रेक्टिफाई कर सके, समझ सके। ये सब का प्रैक्टिकली वीडियो देखने के लिए और विस्तार से डिटेल्स में जानने के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, जो बेल आता है, ऑल नोटिफिकेशन आता है उसको ऑन जरूर करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे ये वीडियो आप नए टेक्निशियन नए लोग पास शेयर करें, जो लोग कोर्सेस कर रहे हैं या फील्ड में आना चाहते हैं, नए टेक्निशियन है उन लोग का भी आप हेल्प करें, उन लोग पास वीडियो शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया पर कहीं भी शेयर कर सकते हैं, जिससे लोग का हेल्प हो सके। अगर आप कोई सा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पार्ट्स, एसी फ्रिज का कुछ भी टूल्स वगैरह खरीदना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, विजिट कर सकते रहेंगे, अभी ऑफर चल रहा है बहुत से कंपनी का, उसका फायदा ले सकते रहेंगे। आज आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।